तो सिद्धू मूसेवाले एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर थे। वह किसी के कहे हुए वर्ड्स को गानों में बदल देते थे, इसीलिए उनके गानों में कहे एक एक वर्ड बच्चों से लेकर बड़ों की जुबान पर है। उनकी डेथ के बाद उन्हें 151 देशों में गूगल पर सर्च किया गया और पूरी इंडिया भर में इस हफ्ते वे गूगल पे सर्च करने वाले सबसे पहले आदमी बने। इससे आप उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हो। तो दोस्तों, आज हम उसी सिद्धू मूसेवाले की लाइफ से जुड़ी कुछ बातें करेंगे। जन्म से लेकर उनकी डेथ तक सभी बातें मैं आपको बताऊंगी। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर आप भी सिद्धू मूसेवाले के फैन हो तो कमेंट में एक बार जरूर लिखना, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, सिद्धू मूसेवाले का रियल नेम है शुभदीप सिंह सिद्धू और उनका निकनेम है सिद्धू मूसेवाला। उनकी माँ ने एक इंटरव्यू में बताया कि हमारे गाँव में सभी सिद्धू कास्ट के लोग हैं और उनके गाँव का नाम था मूसेवाला, इसीलिए उन्होंने अपना नाम सिद्धू मूसेवाला रखा ताकि उनके गांव का हर बच्चा अपने आप को सिद्धू मूसेवाला कह सके और प्राउड फील कर सके। प्रोफेशन से वे एक सिंगर, एक्टर, मॉडल और पॉलिटिशियन थे। उन्होंने 3 दिसंबर 2021 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की थी। उस समय कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर चरणजीत चन्नी थे। जनवरी में सिद्धू मूसेवाले को इलेक्शन की टिकट मिली पर वे जीत नहीं पाए, उनकी ऑपोजिट आप पार्टी जीत गई। इसके बाद लोगों ने उनका बहुत ही मजाक उड़ाया। कुछ दिनों बाद ही उनका दुबई में शो था। दुबई शो में वे खुल के बोले, उन्होंने लोगों को गद्दार तक कह डाला। इसके बाद आते हैं सिद्धू मूसेवाले के फिजिकल स्टेटस पर। इनकी हाइट 6 फीट 1 इंच थी, वेट 85 kg था और आई कलर हेयर कलर ब्लैक था। इनका जन्म 11 जून 1993 को फ्राइडे को हुआ था और इनका बर्थ प्लेस विलेज मूसेवाला मानसा पंजाब इंडिया में है और अब भी वे वहाँ पर ही रहते थे। उन्होंने कहा था, मैं कितना भी बड़ा स्टार बन जाऊँ पर अपने गाँव को छोड़कर किसी और कंट्री में शिफ्ट नहीं हो। और इनकी डेथ 29 मई 2022 को हुई है और इनकी डेथ ज्वार के गांव में हुई है जो कि मानसा पंजाब में है। ये गांव सिद्धू के गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर ही है। सिद्धू की जब डेथ हुई तो वे अपनी मासी के पास जा रहे थे। वे उनका हालचाल पूछने जा रहे थे क्योंकि वे बीमार थी। उनकी मासी का गांव भी यहां से थोड़ी ही दूर में था और उनकी एज 28 ईयर है। उनकी नेशनैलिटी इंडियन है। इन्होंने अपनी स्कूलिंग सरदार चेतन सिंह सीनियर सेकेंडरी विद्या मंदिर मानसा पंजाब से की है। जब ये 5th स्टैंडर्ड में थे तभी इन्होंने फोक सॉन्ग गाना शुरू कर दिया था। स्कूल के हर फंक्शन में ये पार्टिसिपेट करते थे। इसके बाद बात करते हैं उनके कॉलेज के बारे में। उन्होंने गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग पूरी की। इन्होंने यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। 2015 में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर ली थी और ग्रेजुएशन करते समय ही उनका एक गाना था लाइसेंस, जो निंजा ने गाया। निंजा उस समय के मशहूर सिंगर थे और ये गाना भी सुपरहिट हुआ, पर इस गाने से सिद्धू मूसेवाले को लाइमलाइट नहीं मिली। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने बहुत से डायरेक्टरों से बात की पर किसी भी बड़े डायरेक्टर ने उनकी बात नहीं सुनी। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला अपने लिए लिरिक्स लिखने लगे। आज तक सिद्धू मूसेवाले ने जो भी सॉन्ग किए हैं वे सभी उनके ही लिरिक्स थे। इसके बाद उन्होंने पंजाबी सिंगर दीप जांडू, एली मंगत, करण औजला के साथ बहुत से गाने किए, पर वे अपना कुछ करना चाहते थे इसीलिए वे 2016 में पंजाब को छोड़कर कनाडा चले गए और वहाँ पर ब्रम्पटन ओंटारियो में रहने लगे। उनका डेब्यू सॉन्ग था बिलोंग करता, जो कि गुरलेज अख्तर के साथ आया था। फिर इनका सॉन्ग आया जी वैगन, जो कि कनाडा में शूट किया गया, पर इन्हें लाइमलाइट सो हाई गाने से मिली। कनाडा में 3 साल रहने के बाद ये पंजाब में वापस आ गए। जब वे वापस आए तो ये सुपरस्टार बन चुके थे। फिर उन्होंने कभी भी वापस कनाडा में जाने का नहीं सोचा। वे सिर्फ काम के सिलसिले में ही कनाडा जाते थे। इनकी पहली फिल्म थी तेरी मेरी जोड़ी, ये 2019 को रिलीज हुई थी और उनका लास्ट सॉन्ग था लास्ट राइड, जो कि 15 मई 2022 को आया था, मतलब उनकी मौत से 14 दिन पहले। बहुत से लोग तो उनके ये गाने से उनके मौत को रिलेट कर रहे हैं क्योंकि इस गाने में उन्होंने कहा था, जितना मेरे चेहरे पर नूर है उससे ये लगता है कि मेरी जवानी में ही मृत्यु हो जाएगी, और 14 दिन बाद कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपने एक गाने में ये भी कहा था कि जब मेरी मृत्यु होगी तो गोली से ही होगी। साथ में उन्होंने ये कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो ये मत सोचना कि मैं मर गया हूँ, लोग अपनी बाहों पे मेरे टैटू बनवाएंगे और मैं सदा के लिए अमर हो जाऊंगा। और ऐसा ही अब हो रहा है। लाखों लोगों ने उनके मरने के बाद बहुत से टैटू बनवाए हैं। इनकी लास्ट फिल्म थी जट्टा दा मुंडा गौन लग गया है। अगर इनकी हॉबी की बात की जाए तो इन्हें सिंगिंग, ड्राइविंग और शॉपिंग का बहुत शौक है। अरमानी ब्रांड इनका फेवरेट ब्रांड है। इनकी बॉडी पर 6 टैटू है, जो की राइट शोल्डर के साथ साथ लेफ्ट आर्म पर भी है। अगर इनकी कॉन्ट्रोवर्सी की बात की जाए तो पंजाबी सिंगर करण औजले के साथ हुई इनकी कॉन्ट्रोवर्सी अब तक चल रही थी। हुआ ऐसा था कि पंजाबी सिंगर करण औजला इनके बेस्ट फ्रेंड थे। ये साथ में बहुत से सॉन्ग कर चुके हैं।
करण ओजला उस समय सुपरस्टार थे और सिद्धू मूसेवाले को कोई नहीं जानता था। इसका फायदा उठाते हुए करण ओजले ने उनके रिकॉर्ड किए हुए सॉन्ग को वायरल कर दिया। इसके बाद इन दोनों में जंग छिड़ गई। ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सॉन्ग करने लगे। पहले करण ओजला ने लिफाफा सॉन्ग किया और इसका रिप्लाई देते हुए सिद्धू मूसेवाले ने टैग शूट सॉन्ग किया और ये जंग सिद्धू मूसेवाले के मरते समय तक चलती रही। सिद्धू मूसेवाला 5 साल तक पंजाबी इंडस्ट्री में रहे और पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। और अगर इनके रिलेशनशिप की बात की जाए तो ये एंगेज्ड थे। इनकी फियांसी का नाम है अमनदीप कौर जो कनाडा की पीआर है और इसी मंथ इन दोनों की शादी होनी थी। इनके फादर का नाम बलकौर सिंह है जो कि आर्मी में थे और अब वह एक फार्मर है। और अपने पिता के साथ साथ सिद्धू मूसेवाला भी एक फार्मर है। वह अपने खेतों का काम खुद अपने हाथों से करते हैं। इनकी मदर का नाम है चरणजीत कौर सिद्धू जो कि मूसेवाले गांव की सरपंच है। सिद्धू मूसेवाले की वजह से इनकी माँ को भी एक नोटिस आया था क्योंकि वह एक सरपंच है और सिद्धू अपने हर गाने में बंदूकों को बीच में लेकर आते, इसलिए उनको एक नोटिस जारी किया गया। नोटिस में उन्होंने लिखा कि आप अपने बेटे को रोकती क्यों नहीं, इससे युवा पीढ़ी पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, इससे लोगों को क्राइम करने में बढ़ावा मिलता है। और फिर सिद्धू की मदर ने एक रिप्लाई में नोटिस लिखा और उन्होंने सॉरी फील की और कहा आगे से ऐसा नहीं होगा। तो आगे बात करते हैं सिद्धू मूसेवाले के फेवरेट फूड के बारे में। उनका फेवरेट फूड है बटर चिकन और राजमा। और फेवरेट एक्टर है दिलजीत दोसांझ। सिंगर है कुलदीप मानक और उन्हें फुटबॉल खेलना भी बहुत पसंद। उन्होंने अपने गांव में एक फुटबॉल का ग्राउंड बनाया था और वे अक्सर ही गांव के बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते थे। उनका फेवरेट कलर है ब्लैक, रेड और ब्लू। अगर उनके कार कलेक्शन की बात की जाए तो उनके पास है महिंद्रा थार। इसी थार में उनकी मृत्यु हुई है और एक जीप है और साथ में टोयोटा फॉर्च्यूनर, SUV, रेंज रोवर और मर्सिडीज है। और इनके पास रॉयल एनफील्ड बाइक है। ये नाइट क्लब में नाइट का 6 से 8 लाख चार्ज करते हैं और लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट शो का 15 से 20 लाख चार्ज करते हैं। और अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी की। इनका बैंक बैलेंस 5 करोड़ से ऊपर है और 18 लाख की ज्वेलरी है और इनकी नेटवर्थ है 8 करोड़ रुपीज। अपनी गानों की वजह से इन्हें बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं। उन्होंने एक सॉन्ग रिलीज किया था जस्ट लिसन जो कि स्पेशली हेटर्स के लिए था। इनके पास एक ट्रैक्टर है महिंद्रा 5911। ये ट्रैक्टर को उन्होंने फुल मॉडिफाई करा रखा था क्योंकि उन्हें ये ट्रैक्टर बेहद पसंद था। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें इसी ट्रैक्टर पर ले जाया गया था, वह भी पूरा फूलों से सजाकर। इन पे बहुत से केस भी दर्ज हो चुके हैं। इन्होंने एक फिल्म के लिए सॉन्ग गाया था जिसमें सिखों की माता से एक लड़की को कंपेयर किया जा रहा था। इस सॉन्ग की वजह से बहुत से लोग भड़क उठे। फिर सिद्धू ने लोगों से माफी मांगी और लॉकडाउन के दौरान सिद्धू मूसेवाले की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वह पुलिस के कुछ कर्मचारियों के साथ AK-47 चलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद इन पर मामला दर्ज हो गया क्योंकि पंजाब में बिना परमिशन के AK-47 चलाना मना है। और इनकी मृत्यु 29 मई की शाम को हुई है। इनकी मृत्यु की जिम्मेवारी लॉर्ड्स विश्नोइया गैंग ने ली है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने भाई का बदला लिया है क्योंकि सिद्धू मूसेवाले ने दूसरे गैंग की मदद की थी उनके भाई को मरवाने में, पर उनके माता पिता इस बात को नहीं मान रहे। उनका कहना है कि हमारे बेटे ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया और ना ही वह किसी गैंग में शामिल था। इस बात की पूरी सच्चाई का अभी पता नहीं चला है। लॉर्ड्स विश्नोई गैंग सिद्धू को बम्बिया गैंग का मेंबर कहती है। ये सब देखकर बम्बिया गैंग के लीडर ने भी एक पोस्ट डाली है। उन्होंने कहा है कि सिद्धू का हमारे से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन अगर सच में उसकी मौत हमारी वजह से हुई है तो हम इस मौत का जल्द से जल्द बदला लेंगे। उनके निशाने पर है पंजाब के मशहूर सिंगर मनकीरत औल क्योंकि वह मनकीरत को विश्नोइया गैंग का मेंबर मानते हैं, पर मनकीरत ने भी लाइव होकर इससे साफ मना कर दिया है। और मनकीरत ने कहा है कि मुझे भी बहुत सी धमकियां आ रही हैं, पर अब इस सच्चाई का पता चलना बाकी है। उनका कत्ल 7 से 8 लोगों के द्वारा किया गया है, पर अभी तक पुलिस एक को भी ढूंढ नहीं पाई है। और आगे कोई भी अपडेट होगी तो आपको इसी चैनल पे मिलेगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी है उसको भी दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके सबसे पहले। मिलते हैं अगली ऐसी और वीडियो के साथ।